ऐसे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं हमारे पास एकक्शन दे रखी और सो so देना है रियल जो है वो प्रूव करना है तो डेफिटली होगा ठीक है ना उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ठीक है उससे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जेड को Z को हमने एक एक्स no हाँ और वाई होंगे वो क्या होंगे आपके रियल नंबर होंगे ठीक है ना अब अगर हम बात करते हैं कि जेड को अगर हमें रियल प्रूव करना है तो ऐसा हम क्या करते हैं या इस से हमें क्या मिलना चाहिए कि Z हमारा जो है, वो प्योर रियल हो जाएगा तो इसमें आपको या की आइडिया जो है वो डेवलप कर सकते हैं बच्चों ठीक है ना डेवलप कर सकते हैं किस तरह से आइडिया हम डेवलप करेंगे जेड रियल है, है, साथ साथ है।, 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 है तो यहां पर इसका मीनिंग हो गया कि हमें वाई इक्वल टू जीरो करना है ठीक है ना तो हमारे पास यहाँ पर एक जनरेट हो गई कि हमें क्या करना है इस यूज करके किसी भी तरह से वाई को जीरो बना देना है अगर वाई जीरो हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली डेफिनेटली जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा अब हम आते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ ठीक है ना हमारे पास इक्वेशन क्या है वी हैव ये इक्वेशन दे रखी इस इक्वेशन का हमें क्या करना है यूज करना है जेड माइनस फाइव आई अपॉन जेड प्लस फाइव आई इक्वल टू वन मॉडलस है ना ये इक्वेशन है हमारे पास हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे है ना वो प्रॉपर्टीज बच्चों आपको याद होनी चाहिए अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पर लिखता भी जाऊँगा आप लोगों के लिए वो आपको पता होनी चाहिए या फिर अगर नहीं पता है तो फिर उसको याद कर लीजिएगा जब मैं उसको लिखूंगा है ना इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं मॉड को सेपरेट कर सकते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी है ठीक है ना कोई भी नोमनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो ठीक है ना इस तरह से जेड वन अपॉन जेड टू इसका मॉडल इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ जेड वन बच्चों सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पर सेपरेट जेड प्लस फाइव आई इक्वल टू वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनने वाली है कुछ इस तरह से बनने वाली है हमारे पास इक्वेशन जेड प्लस फाई वाई ठीक है ना अभी हमें क्या करना है यहाँ पर जेड की वैल्यू रखनी है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने जो जेड लेट किया उसका क्या करना है है ना हमें क्योंकि वाई इक्ल टू जीरो प्रूफ करना है तो हमारे पास एक्स और वाई में एक एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन होनी चाहिए जिसको हम सिंपलीफाई करके वाई इक्वल टू जीरो प्रूव करेंगे है ना ये हमारी अप्रोच है तो यहाँ पर जेड के प्लेस पर हमने जो एक्स प्लस आई वाई जो लेट किया है यानी इस फॉर्म को फिर हमने कुछ इस तरह से बना लिया है यहाँ पर है ना जेड के प्लेस पर हम एक्स प्लस आई वाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं बच्चों जेड प्लस आई वाई है ना ये जेट की जगह पर एक्स प्लस आई वाई बेटा ये हमने यहाँ पर रखा है इस तरह से और हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन गई यानी इस तरह से आ गई अभी हम क्या करेंगे जो अंदर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं इनके हम मॉडल्स फाइंड आउट करेंगे ठीक है ना मॉडल्स निकालना हमें आता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा हुआ तो हम मॉडल्स कैसे निकालते हैं होप्सो की ये आपको पता होगा या फिर हमें ये बात पता है बट उससे पहले हम एक्जैक्टली exactly इसको ए प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दो दो जगह आई दिखाई दे रहा है ना दो, -दो जगह आई दिखाई दे रहा है तो मॉडल्स निकालने से पहले ये काम हम सबसे पहले कर लेते हैं कुछ इस तरह से आई कॉमन ले लिया आई वाले टर्म्स को हमने ऐड कर लिया ठीक है सिमिलर वे में राइट हैंड साइड में भी यही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं अब हम बड़ी आसानी से बच्चों अब हम बड़ी आसानी से यहाँ पर बड़ी आसानी से इसका मॉडल्स फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है मॉडल्स हम निकालने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम मॉडल्स यहाँ पर लिखेंगे आप नोटिस करिएगा ठीक निकालना है ना मॉडल्स निकालने आते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बच्चों कुछ इस तरह से है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव का स्क्वायर हो जाएगा जैसे ही हमने यहां पर इस तरह से लिखा आपके सामने x और y में एक हमारी इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई है अब इसी इक्वेशन को क्या करना है सिंपलीफाई करके हमें y इक्वल टू जीरो बनाना है टारगेट हमारे दिमाग में होना चाहिए माइंड में होना चाहिए कि हमें क्या करना है तो पहले तो हम इसको रूट को एलिमिनेट करते हैं ऑन स्क्वायरिंग ठीक है ना ऑन स्क्वायरिंग तो इट विल बी एक्स स्क्वायर तो एक प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर

वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और ट्वेंटी ट्वेंटी इक्वल टू इक्वल टू जीरो आएगा और वाई इक्वल टू कितना आएगा ये हमारे पास जीरो इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू जीरो बन गया हमारे पास अब हम बोल सकते हैं किस यही प्रूव करना था कि हैंस अगर ऐसा है जेड इज रियल ठीक है ना बस यही हमें प्रूव करना था बच्चों यहां पर यही हमें प्रूव करना था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत मुश्किल अप्रोच नहीं थी बहुत आसान सी अप्रोच थी चलिए हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिमिलर क्वेश्चन नंबर वन है ठीक है ना एक मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिया हुआ है आप अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ नंबर से यहाँ पर बदले बाकी सब कुछ वही है तो मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को बेटा आपको खुद से ही करना है ठीक है ना ये क्वेश्चन आपको खुद से लगाना है डू योर सेल्फ बहुत सिंपल क्वेश्चन है चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए जेट वन एंड जेड टू और कम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और टू जेड वन अपॉन थ्री जेड टू इज प्योरली इमेजडरी ठीक है ना जो यहाँ पर इमेजरी दे रखा प्रूव करना है इस पर अब हम बाद में आएंगे ठीक है सबसे पहले इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो भी चीजें हमें प्रूव करनी है ठीक है यहाँ पर जैसे इसको प्रूव करना है दिस इक्वल टू वन अगर हमें ये प्रूव करना है तो जो गिवन स्टेटमेंट जो हमें गिवन दिया हुआ उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो यूज हो गई है ना कुछ ना कुछ तो यूज हो गई क्वेश्चन में इसलिए वहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर सबसे पहले टू जेड वन ये हमें दे रखा है टू जेड वन अपन थ्री जेड टू है ना इक्वल टू ये प्योरली इमेजनरी है तो हमने के आई यहाँ पर लेट कर लिया और के जो है वो रियल नंबर के इक्वल है यहाँ से हम एक काम और करते हैं जेड वन अपॉन जेड टू फाइंड आउट कर हैं ठीक है ना जेड वन अपॉन जेड टू थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा और थ्री के अपॉन टू कुछ इस तरह से ठीक है ना ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चन में जब हम प्रूव करेंगे तो यूज करेंगे ठीक है ना अब कैसे यूज करना है तो चलिए जब हम लिखेंगे वहां पर तब हमें पता लगेगा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू थ्री का अभी हमें जो प्रूव करना है ठीक है ना वो हम लिखते हैं यहाँ पर वो लिखते हैं यहाँ पर जेड वन जेड जेड वन माइनस जेड टू अपॉन जेड वन प्लस जेड टू ठीक है इसकी वैल्यू हमें निकाल दी मॉडल की यहां पर ये करना है अच्छा यहाँ पर फिर देखिए हम उसी अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं कि जो गिवन है उसी का हमें यूज करना है जेड वन अपॉन जेट टू यहाँ पर कहीं पर अगर हम जनरेट कर सकते हैं तो बिल्कुल जनरेट करिए उससे क्या होगा उससे हम जेड वन अपॉन जेड टू की जो वैल्यू है यानी फिर जो गिवन स्टेटमेंट हमें जो दे रखा है उसका हम यूज कर सकते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखिए आप जरा जेड टू हमने यहाँ पर कॉमन लिया तो वी कैन राइट जेड वन अपॉन जेड टू माइनस वन यहाँ पर भी हम जेड टू कॉमन लेंगे तो जेड वन अपॉन जेड टू 1. हमने क्या किया यहां पर जेड वन अपॉन जेड टू देखिए जनरेट कर लिया यहाँ पर ठीक अब काम करने वाले हैं ठीक है ना एलसीएम अगर हम लेते हैं यहां पर एलसीएम अगर हम लेंगे तो इट विल भी कुछ इस तरह से थ्री के आई माइनस टू अपॉन डिनोमिनेटर जो है आपका थ्री के आई अपॉन टू ठीक है जो डिनोमिनेटर टू था वो खत्म हो गया ठीक है ना दोनों से नोमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से तो यहाँ पर हम फिर मॉडल्स को सेपरेट कर सकते हैं ऐसा हमें पता है लास्ट क्वेश्चन में डोटर डिस्कशन हो चुका है इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं कुछ थ्री के आई प्लस टू तो अंडर रूट ये थ्री के का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस टू का स्क्वायर कुछ इस तरह से बनेगा है ना अपॉन अंडर रूट थ्री के का स्क्वायर और प्लस टू का स्क्वायर कुछ इस तरह से है ना इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो नाइन के स्क्वायर प्लस फोर और ये भी बेटर नाइन के स्क्वायर प्लस फोर देखिए यहाँ पर बन गया ये कितना आ जाएगा आपके पास वन और यही हमें प्रूव करना था बच्चों यही हमें प्रूव करना था देख सकते हैं ठीक है ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कुछ भी नहीं था यानी कि इसमें बस ये याद रखना जो गिवन स्टेटमेंट था ठीक है ना उसका हम यूटिलाइजेशन जो हमें प्रूव करना है ठीक है ना जो हमें फाइंड करना है उसमें हम किस तरह से करेंगे अगर ये आपने ध्यान रख पाया तो फिर बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाने वाले हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये हम अप्रोच करते हैं दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में ये अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ना कुछ ऐसा नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे हम लोग जल्दी से चलते हैं ठीक है ना इसमें भी हम वही अप्रोच अप्लाई करेंगे जो मैं बोल रहा हूं ठीक है अगर चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो फिर इस तरह से आप चीजों को सोच सकते हैं कि गिविन का यूज हम कहां कहाँ पर कर सकते हैं ठीक है ना कहाँ पर कर सकते हैं उनमें से ही एक केस जो होगा वो आपको जो फाइंड करना है वो केस उसमें से मिल जाएगा बस इस इस अप्रोच के साथ किसी भी क्वेश्चन को बेटा हम जो है वो टारगेट कर सकते हैं जैसे यहां पर आपको दे रखा है हम आपको बताते हैं यहां पर जेड वन मॉड ऑफ जेड वन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड टू इक्वल टू मॉड ऑफ जेड थ्री इक्वल टू मॉड ऑफ जेड एन इक्वल टू वन ये दे रखा और हमें वन पॉइंट जेड वन प्लस वन पॉइंट जेट टू प्लस वन पॉइंट जैट थ्री प्लस वन पॉइंट जेड वन इक्वल टू ये सब सब प्रूव करना है ठीक है ना तो हम करने क्या वाले गिवन स्टेटमेंट का तो नो no डाउट हम यूज करेंगे करेंगे वहां से लेफ्ट फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पर लेफ्ट एंड साइड और राइट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे इस तरह के अप्रोच क्वेश्चन में हम लोग बेटा बना रहे हैं अब उसके लिए हमारे पास वन पॉइंट जेट वन प्लस मतलब वन पॉइंट जेड वन वन पॉइंट जेड टू वन पॉइंट जेट थ्री की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए ठीक है ना वो हम कैसे जनरेट करेंगे आइए चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे पास ना मॉड ऑफ जैड वन इक्वल टू मॉड ऑफ जैड टू इक्वल टू मॉड ऑफ जैड थ्रील टू इक्ल टू मॉड ऑफ जैड एन इक्वल टू वन ये हमारे पास इक्वेशन है ठीक है ना अब इस इक्वेशन से हमें क्या करना है ये वन पॉइंट जेड वन बनाना है तो वन पॉइंट जेड वन कैसे बनाएंगे अच्छा बच्चों एक बात बताइए ठीक है ना मैं यहां पर पहले तो स्क्वायर कर रहा हूं यहां पर स्क्वायर 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 यहां पर हमने यहां पर किया स्क्वायर से क्या फायदा है वो फायदा मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर जेड एन का स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर बनी होगा ठीक है ना वी कैन राइट हम इसको जेड इंटू जेड वन इंटू जेड वन बार लिख सकते हैं यस और नो क्योंकि देखिए यहां पर हम बता देते हैं आपके पास मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है प्रॉपर्टी ये बच्चों याद आ गई होगी तो वी कैन राइट जेड इंटू जेड स्क्वायर ठीक है ना सॉरी जेड इंटू जेड बार ये हम लिख सकते हैं यहां पर ठीक है इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहां पर कर रहे हैं तो जेड वन स्क्वायर हो तो जेड वन इंटू जेड वन बार सिमिलरली जेड टू इंटू जेड टू बार इक्वल टू जेड थ्री इंटू जेड थ्री बार इक्वल टू जेड एन इन जेड एन बार ठीक है ना कुछ इस तरह से ठीक है ना अब हमारे पास क्या आ जाएगा जेड वन बार इक्वल टू वन सॉरी हमें क्या निकालना वन अपॉन जेड वन निकालना है ठीक है ना वही हम ध्यान रखेंगे तो यहां से वन अपॉन जेड वन इक्वल टू हो जाएगा बेटा जेड वन बार वन अपॉइंट जेड टू इक्वल टू जेड टू बार वन जेड थ्री इक्वल टू जेड थ्री बार ठीक है ना इसी तरह से ठीक है इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर इसी तरह से वी कैन राइट वन अपॉन जेड एन इक्वल टू जेड एन बार कुछ इस तरह से चलेगा ठीक ना अब ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं यहां पर ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपके पास मॉड ऑफ वन अपॉन जेड वन प्लस वन अपॉन जेड टू प्लस वन अपॉन जेड थ्री प्लस वन अपॉन जेड एन ठीक है ना इक्वल टू अभी हम क्या रहे सारी -सारी कर रहे हैं ये वैल्यू सारी की सारी यहां पर पुट कर रहे हैं जेड वन बार प्लस जेड टू बार प्लस जेड थ्री बार प्लस ये जेड एन बार कुछ इस तरह से आ जाएगा ठीक है ना ये हमारे पास आ गया अब कुछ कुछ इस तरह से हमें दिखने लगा है ठीक है ना बस बार अप्लाई है यहाँ पर अच्छा मुझे बच्चों ये बताइए कि हम बार को कम्बाइन नहीं कर सकते हैं ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ये हम बार को जो है वो ऊपर जो सभी नंबर्स पर लगा हुआ है इसको हम कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से जिसको हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलते हैं और इस बार को हम सेपरेट भी कर सकते हैं ठीक है ना जेड वन प्लस जेड टू मतलब सेपरेट इन द सेंस कि इसको रिमूव कर सकते हैं सॉरी रिमूव कर सकते हैं ठीक है ना इस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यही राइट हैंड साइड है हम लोगों ने क्या किया वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है ठीक है ना पहले तो नंबर वन क्या पढ़ा हुआ है कि अगर जेड मॉड ऑफ जेड इक्वल टू बार का ये दोनों इक्वल होते हैं पहली चीज ये ठीक है दूसरी बात आपने टू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बच्चों को बहुत याद होगा कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे तो बार को हम सेपरेट कर सकते हैं तो जब सेपरेट कर सकते हैं तो फिर हम कंबाइंड भी कर सकते हैं ठीक है ना यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ था दो के, के लिए क्या एन के लिए भी पढ़ा हुआ है बस मैं दो से आपको रिकॉल करा रहा हूं यहां पर ठीक है ये बहुत टिप्स पर रहता है हमारे हम लोग इसको जानते हैं तो जिस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए टू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं उसी तरह एन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए बार को हमने क्या किया सेपरेट करा फिर